सात कप मंगाए, छह ही भरे। एक उधर से ही पी के आया क्या? तेरा पेट देख के तो लग रहा। चीयर्स। चीयर्स। नहीं नहीं नहीं, आधा ही चीयर्स। बाकी दो लोंडे एक तो टेस्ट राइड लेने गया है, वो देखो आया। भाई हो गया एंगल चेक। हाँ हो गया भाई। कैसा आया? मस्त है। पी ले चाय। चाय पीने? हाँ पी ले चाय। ऐसा जगह अभी कहाँ बैठूँ? नीचे बैठ जाना। नीचे कोई जगह नहीं है तो खड़े रह के पी। बारिश हो रही बाहर। बारिश हो रही ना भाई, देख 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 क्या है हुआ। कौवा मुता ऐसा लग रहा है। ये ले इससे क्लीन कर तेरा वाइजर, एकदम बढ़िया क्लीन होगा। अरे क्या है भाई ये पकड़ तू ही। अरे एकदम बढ़िया क्लीन होगा इससे। चलो सब लड़की लोग गेयर अप हो जाओ। लड़के लोग चलो 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 दोस्तों, फाइनली राइड स्टार्ट हो चुकी है। सब बाइक का रिफ्यूलिंग हो रहा है जी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज निकाल रही है पहाड़ी ऐसा लुक, और आज है राइड पे हमारा छोटा बंधु, अपकमिंग ब्लॉगर। तो आज की राइड हो रही है नासिक को, और नासिक को अपन क्यों जा रहे हैं? पाजी को मिलने के लिए। पाजी को मिलने के लिए? पाजी का फ़ोन आ गया? फ़ोन आया पाजी का? नहीं आया। अरे यार अच्छा, फ़ोन आगे करेंगे, कोई बात नहीं, जस्ट किडिंग। राइड शुरू होती एक दिक्कत आ गई, पॉकेट में बहुत ज़्यादा प्ले है। देखो अभी इसका वीडियो बना के शोरूम में भेजा तो बोल रहे कि पॉकेट की बेरिंग गई है, अभी डालने में तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, धीरे धीरे चलेंगे आगे, आगे फिर जो होगा वो देखा जाएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं जेसन पाजी के मीटअप में, जो कि है नासिक में, और मैं रहता हूँ मालेगांव में। मालेगांव नासिक से बस 100 किलोमीटर, और इतना अच्छा मौका मिल रहा है जी पाजी को मिलने का। मिलने को मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो पता नहीं, लेकिन जाएंगे तो ज़रूर। देखिए मैं तो मीटअप्स वगैरह ऐसे अवॉइड ही करता हूँ। नासिक में भी बहुत सारे मेरे जो फेवरेट क्रिएटर्स हैं उनके मीटअप्स हुए, मुंबई में होते रहते, करीब में जहाँ पे मैं जा सकता ना वहाँ पे मीटअप्स होते रहते, लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि मीटअप में ना ऐसे मिलने को नहीं मिलता, प्रॉपर ऐसे मिलने को नहीं मिलता। लास्ट ईयर में सलीम भाई को मिला था अपने MS के व्लॉग्स को, वो मिला था कल सुबह पिक पे। मैं गया भी इसलिए था क्योंकि मुझे मालूम था भाई इतने ऊपर इतने दूर ट्रेक करके राइड करके तो कोई आने वाला नहीं है, और वैसा हुआ भी। हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो सलीम भाई की पूरी टीम थी, और हम अकेले ही थे भैया वहाँ पे मिलने के लिए, तो बहुत अच्छा था। लेकिन ये मीटअप में मज़ा आएगा, मिलने को मिलेगा या नहीं मिलेगा बात दो नंबर की है, लेकिन जाएंगे तो ज़रूर। लद्दाख सीरीज़ के सारे एपिसोड जो है ना अपलोड हो चुके अपने चैनल पे। पता ही मैंने 10 महीने लगा दिए भाई 19 एपिसोड अपलोड करने को। बीच में मेरा फ़ोन भी मेरे पास नहीं था, चार महीने तक मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था, सो चार महीने एडिटिंग बंद ही थी। तो कल रात को ही मैंने लास्ट एपिसोड 1:30 बजे तक एडिट किया, 2 बजे उसको अपलोड किया, और आज 9 बजे सुबह वो पब्लिश हो चुका है। तो अभी बज रहे 12:30, और मीटअप का टाइमिंग पाजी ने दिया था 4 बजे का, अपन थोड़ा जल्दी निकल चुके हैं। और आज मौसम इतना प्यारा है ना भाई, मतलब राइड के लिए एकदम परफेक्ट मौसम है। सुबह सुबह हल्की सी बारिश हो गई है और क्लाइमेट एकदम ठंडा ठंडा सा है, मज़ा आ रहा है राइड को आज। बस बाइक मुझे ज़्यादा भगाते नहीं आ रही बिकॉज पॉकेट की बेरिंग की वजह से, लेकिन ठीक है चलता है, अगर टाइम मिला तो नासिक में बेरिंग चेंज कर लेंगे अपन। और अभी रिसेंटली ना दोस्तों मैं ट्रेकिंग और कैंपिंग की एक राइड पे गया था निकू, और मैं वो ब्लॉग है ना इसके बाद आएगा, पहले ये वाला ब्लॉग आएगा फिर वो वाला ब्लॉग आएगा। ये पीछे था विजय? हाँ तू अच्छा हुआ। मैं पीछे गलती किसकी थी मतलब बता दे। गलती उसकी थी। ओके चलो दोस्तों, यहाँ पे ना पानी वगैरह पी लिया, कुछ खाया तो नहीं, हाँ रेडबुल जरूर पिया क्योंकि एनर्जी की जरूरत थी, वहाँ पे पूरी एनर्जी हमारी फूस हो गई। अरे भैया किस खुशी में इतना ट्रैफिक है, मिठाई उठाई बट रही क्या आगे? अरे कुछ इलेक्शन का सीन लग रहा है, गुलाल उलाल पड़ा है गाड़ियों पे। क्या एक्साइटेड हो जाती है ना पब्लिक राइडर्स को देख के, मजा आता है।
हम भी कभी ऐसे एक्साइटेड होते थे। तो नासिक सिटी में हम लोग एंटर कर चुके हैं और आगे का हम लोग को लोकेशन मालूम नहीं, इसलिए गूगल मैप लगा दिया गया है। ओ लो जी भैया पहुंच गए सिरेमिक प्रो नासिक। 250 मीटर, 200 मीटर, इतनी धक्का बुक्की से निकल गए पुलिस आ गई थी इसका मोबाइल जमा कर लिया था रिक्वेस्ट करके वो फोन छुड़ाया और सनी जिस बाइक पे आया था ना आर1 5 पे उसकी भी की निकाल ली थी बहुत कुछ हुआ लेकिन कैद नहीं कर पाए कैमरे में ठीक है चलता है कोई बात नहीं अब इस निकल खा रहे इधर थोड़ा सा राशन ले लिया वो दबाएंगे और फिर निकलेंगे। भाई फाइनली मिल लिया पाजी से, फोटो वोटो निकाला जो आपको देखने को मिलेंगी इंस्टाग्राम पे। इतने कम टाइम में भी उन्होंने हमको 10 से 15 मिनट दिए। अभी बज रहे शाम के 7। मैं पहली बार किसी फेवरेट यूट्यूबर के मीटअप में गया। हाँ थोड़ा सा हेक्टिक था लेकिन मज़ा आया, अलग एक्सपीरियंस था और बहुत कुछ सीखने को मिला जो आपको मेरे आने वाले व्लॉग्स में देखने को मिलेगा। और बहुत इंस्पायरिंग सेशन था भाई, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग सेशन था। तो अभी ना दोस्तों बहुत ज़्यादा तगड़ी भूख लग चुकी है हमें, अभी जाते जाते कुछ खाएंगे, पेट पूजा करेंगे और ये व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। मिलते हैं आने वाले व्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। मज़ा आया आज।